हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसडीके ब्लॉगर। गाइस, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि यामा की जितनी एफआई गाड़ी आती है उसमें इंजेक्टर क्लीन कंपनी हर 6000 किलोमीटर में करने के लिए कहती है। और क्यों कहती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल इंजेक्टर क्लीन का मशीन है। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो तरफ फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए, एक लेफ़्ट एक राइट में। और अभी जो लेफ़्ट साइड में है वो हम उसमें जो गाड़ी में लगा हुआ था वो इंजेक्टर क्लीन कर रहे हैं। इसे हम लोग इसलिए इंजेक्टर क्लीन करते हैं क्योंकि इसमें जो है गाड़ी में जो फ्यूल जो है वो टंकी से लेता है इंजेक्टर, और इंजेक्टर ही उसको इंजेक्ट करता है पूरे हेड में। और इसको क्लीन करवाने का एक ही उद्देश्य है कि आपकी गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो झटका मारने से संबंधित, या गाड़ी पिकअप कम लेती है, या गाड़ी में जो पेट्रोल रहता है उसमें आपका कुछ डस्ट आ जाता है, और मॉर्निंग में सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो आ जाता है उसके कारण भी इसे हर 6000 किलोमीटर में कंपनी क्लीन करने के लिए कहती है। तो गाइस, आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप हर बार जब भी सर्विस कराएं अपनी गाड़ी में तो इंजेक्टर क्लीन ज़रूर करवाएं, क्योंकि जो आप पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं वो पेट्रोल पंप में जो टंकी में जो पेट्रोल उन्होंने गाड़ी से डाला जाता है वो टंकी तो कईयों साल उन्होंने क्लीन भी नहीं करते। तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितना कचरा हो सकता है, कितना डस्ट हो सकता है, और किन किन गाड़ियों में इंजेक्टर क्लीन होता है और कहाँ पर होता है। मैं ये आपको एक उदाहरण के तौर पर ये R15 आपको दिखा दे रहा हूँ। R15 में जो इंजेक्टर जो रहता है ये फ्यूल टैंक के नीचे रहता है। ये जो देख रहे हैं आप अभी, यहाँ से अब हम कपलर हटा रहे हैं और इंजेक्टर जो रहता है ये आपके टंकी के नीचे देखो इस जगह में जो दिख रहा है, जो यहाँ पर मैं आपको निशान दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इंजेक्टर रहता है। इसे एक बोल्ट से 10 नंबर के बोल्ट से खोला जाता है, और ये यामा की जितने भी एफआई गाड़ी होती है उन सब में क्लीन होता है।